हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का 12th प्रॉब्लम, 12वां प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं, आप लोग अपने बुक में देखें और फिर समझने का कोशिश करें। इन फिगर 12.30, ये फिगर है ना, 12.30। OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ये ओ सेंटर है और ये क्वाड्रेंट है। एंड रेडियस, इसका रेडियस जो है दिया हुआ है, यानी कि ओ बी रेडियस होगा, ओ ए रेडियस होगा, है ना। यही हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इफ ओ डी इज 2 सेंटीमीटर, है ना, फाइंड द एरिया। फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का जो है, जो क्वाड्रेंट है ओ ए सी बी, इसका एरिया निकालना है। दूसरा शेडेड रीजन, इस रीजन का, यानी कि ए सी बी डी इस रीजन का। आइए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है कि डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 12.3, प्रॉब्लम नंबर 12। यहाँ ये क्वाड्रेंट है इस तरह से, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल, और इसका ये एंगल भी जो है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का जो है कि जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है, है ना। और एक यहाँ पर इसमें, यानी कि ये सर्किल में, अगर कंप्लीट सर्किल में होता तो ये यहाँ पर इस तरह से, ये है ना, आगे जाकर के ये कॉर्ड होता इसको बढ़ाने पर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये इस रेडियस को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है डी पॉइंट पर, है ना। अगर ये सर्किल कंप्लीट इधर होता तो ये कॉर्ड कहलाता, लेकिन कॉर्ड नहीं है, ये यहाँ पर रेडियस में यहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। और बी हो गया, ये ओ हो गया सेंटर, यहाँ ए और ये सी पॉइंट है। तो इस तरह से ए सी बी डी एक क्वाड्रेंट है, है ना, और यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ ये शेडेड रीजन का एरिया, ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, ऐसा प्रॉब्लम आप लोग जो है कि बना चुके हैं इसी एक्सरसाइज में पहले। तो इसमें करना है क्या कि सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया जो है कि निकाल लेते हैं, और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया में जो है माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है शेडेड रीजन, उसका एरिया निकल जाएगा। तो आइए, यहाँ पर हम लोगों को रेडियस जो है मालूम है, है ना। अब यहाँ जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि ओ, ये ओ है, है ना, ए सी बी क्या है, इज ए क्वाड्रेंट, है ना। इसका जो है इट्स रेडियस स्मॉल आर, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। देयरफोर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, ओ ए सी बी नाम दे देते हैं ब्रैकेट में। तो क्वाड्रेंट 1/4 होता है, 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है कि पूरे सर्किल का एरिया होता है, उसको 1/4 से डिवाइड कर दें, या हम लोग थीटा से भी जो है निकाल सकते हैं। ये जान लीजिए, थीटा यहाँ 90 है, तो 90 रखेंगे तो वही 1/4 आएगा, है ना। इस फार्मूले से थीटा पाई आर स्क्वायर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल, तो इसका सर्किल का एरिया को जो है का 1/4 निकाल लेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया होगा, है ना, 1
और आप वैल्यू रखेंगे 22/7 आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिखते जाते हैं, है ना। अब 1/4 22/7 इसको जो है हम लोग दशमलव हटा के इस तरह से लिख देते हैं 35/10 35/10, दो बार स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कैंसिल कराते हैं ये 5, ये 5 से ये 2 है ना, और देख लीजिए और इसमें जो है 5 से इसको कैंसिल कराइए है ना, 7 2 इस 2 से 11 है ना, तो यहाँ पर और तो ये 7 हो गया, ये और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 77 ना, देख लीजिए छुटना नहीं चाहिए, बाई 8 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकाल लिए। अब ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं, है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ है ना, या बी से शुरू करिए, बी ओ डी, तो ये क्या है, शुरू में ही बताया कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये 90 होगा, तो इसको बेस कंसीडर करेंगे, ये क्या होगा आपका हाइट होगा एच, ये बी है ना, या परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस बाई हाइट यानी कि ओ बी है ना इंटू ओ डी से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में सिंस है ना द ट्रेंगल इज राइट एंगल है ना, ट्रेंगल ये ट्रेंगल का ही सिंबल डाल दिया, अब पूरा भी लिख सकते हैं। तो ओ बी कितना है, ओ बी हम लोग जानते हैं कि इसका जो है कि रेडियस 3.5, और ओ डी का वैल्यू दिया हुआ है, ओ डी यहाँ पर जो है कि दिया है, ओ डी लिख दें यहाँ पर, ओ डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है ना, तो इंटू 2 ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 3.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकाल लिया हम लोग। इसको भी दशमलव में यहाँ निकाल के हम लोग लिख लें, यहाँ रफ करते हैं हम लोग 77 तो 8, ये हो जाएगा आपका 9 खाएगा 72 है ना, और ये कितना हो गया 5, अब दशमलव डालते हैं तो 6 2, तो फिर ये आपका हो जाएगा 2 है ना 18, तो दो अंक तक निकाल लेते हैं, ये आपका जो है 9.62 है ना, उसी समय निकाल लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पर फाइनली हम लोग निकालते हैं है ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, ये माइनस है ना एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ डी, तो शेडेड आपका जो है रीजन का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 9.62 और ये कितना है 3.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर लेते हैं, यहीं पर करते हैं है ना, ये घेर देता हूँ मैं 62 3.5 0 2 1 और 6, तो इस तरह से क्या हो गया 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया, ये आंसर हो गया इस शेडेड रीजन का 6.12 है ना 6.12, ये आपका क्या हो गया शेडेड रीजन का एरिया। यहाँ दशमलव में उस समय मैंने जो है कि वैल्यू इसलिए नहीं निकाला था,
उसका मेन कारण था कि आपके बुक में आंसर जो है कि वो बटा में है, 49/8 जो है आंसर दिया हुआ है। तो मैंने तो यहाँ जो है कि दशमलव में जो है कि आंसर निकाल करके आप लोगों को जो है यहाँ दिया है। तो आइए आपके बुक के मुताबिक जो है कि हम लोग बटा में भी निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए फिर से हम लोग जो है कि शुरू करते हैं, और यहाँ से है ना, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 77/8, और यहाँ क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल का एरिया है। तो आइए आपके बुक के मुताबिक यहाँ फिर से जो है इस पेज पर जो है कि कैलकुलेशन करते हैं। वैसे ये आंसर भी 100% सही है ना, वैलिड है। दशमलव में भी आप निकालेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएगा। तो आइए, ये क्या है कि अब जैसे हमने लिखा है कि एरिया ऑफ शेडेड है ना रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है आपका। तो क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ से हम लोग लेते हैं 77/8 है ना, 77/8, और माइनस 3.5 ये यूनिट भी डाल देते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं, माइनस है ना ये लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर देते हैं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 5 से कैंसिल किए तो ये 2 हो गया है ना, 2 5 से कैंसिल किए तो ये 7 और 2। तो आइए कितना इसका यहाँ पर एलसीएम जो है 8 और 2 का निकाल लेते हैं, 2 4 है ना 1, तो इस तरह से 8 एलसीएम हो गया है ना। तो ये 77 माइनस ये 4 ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसको माइनस करते हैं 70, ये रफ है, 77 में 28 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 9, और 6 में जो है 2 गया तो 4। तो इस तरह से 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ इस रूप में, जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है ना। इसको आप डिवीजन करेंगे तो यही आएगा है ना, 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों को जो है बता दिया आपके बुक के मुताबिक है ना, दशमलव में भी आप ये जो निकालेंगे वो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, आप जैसे चाहे इस तरह से निकालें या इस तरह से निकालें है ना, बात बराबर है। तो आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए है ना, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट को क्लियर करूंगा। मेरे जो है कि चैनल को विजिट करिए, यहाँ और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस हैं, उनको देखिए, फ़ायदा उठाइए। मैथमेटिक्स से संबंधित भी जो है कि पूरे एक्सरसाइज के वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।